नमस्कार भैया, कैसे हो तुम मनगा? फिल्मी डिजाइनर के नवा एपिसोड में आप मन के गाड़ा गाड़ा स्वागत है। कैसी लगी हमारी छत्तीसगढ़ी का? गा का मतलब होता है लोग, पब्लिक यानी कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। यही ना कि अभी हमको छत्तीसगढ़ी का बुखार कैसे चढ़ गया। अरे दादा, अभी हमने नेटफ्लिक्स पर एक जबरदस्त छत्तीसगढ़ की सौंधी सौंधी खुशबू से भरा चमन बहार चटनी मीठा पान खाया है और ये उसी का असर है। चमन बहार एक हिंदी कॉमेडी फिल्म है जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है अपूर्व धार बागगायन ने और इसमें मुख्य भूमिका में है जितेंद्र कुमार, रितिका बदयानी, भुवन अरोरा, धीरेंद्र तिवारी और एक भालू। एंड आई कैन गारंटी कि ये भालू के बिना तो फिल्म आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। ये एक 16+ एज ग्रुप फिल्म है और इस रसीले मीठे पान के मजे आप नेटफ्लिक्स पर ले सकते हैं। फिल्म की कहानी लोरमी बिलासपुर की है पर पूरी शूटिंग रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई है। अपूर्व खुद छत्तीसगढ़ के ही हैं और बीए इकोनॉमिक्स में उन्होंने बैचलर्स किया है। उसी दौरान जब वो पूना में थे, उनकी फिल्म इंस्टीट्यूट के कुछ लोगों से दोस्ती हो गई और उन्हें फिल्मों का माहौल जमने लगा। इन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है फिल्म मेकिंग की। अकॉर्डिंग टू अपूर्व, ये फिल्म उनकी और उनके दोस्तों की लाइफ के छोटे छोटे डिटेल से इंस्पायर्ड है और शायद यही वजह है कि ये फिल्म आपके दिल को छू जाती है और कहीं ना कहीं आपके बचपन और बचपन के प्यार की पुरानी यादों पर गुलाब जल की बूंदें छिड़क देती है। चूंकि मैं खुद बिलासपुर में 3 साल रहा हूँ और 8th, 9th और 10th मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से ही किया है, तो मेरा इस फिल्म से एक खास लगाव है। आज भी हमारा पूरा बैच एक व्हाट्सएप ग्रुप पर है और हम दिन भर इस पर मस्ती करते रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही सीधे साधे और स्वीट होते हैं। बिल्लू अपनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नौकरी को छोड़कर एक पान की दुकान डालता है जो कि शुरू शुरू के दिनों में तो ठीक ठाक चलती है, पर शहर के भूगोल में सरकारी चेंजेस आने की वजह से बिल्लू की दुकान और वो सड़क जिस पर उसकी दुकान है दोनों विधवा हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर रोड का सुहागरात खत्म, विधवा हो गई है, चूड़ी तोड़ेगी खाट। विधवा मतलब नो राहगीर, नो ग्राहक, नो धंधा। पर फिर बिल्लू की लाइफ में एंट्री होती है रिंकू की। बिल्लू की दुकान के सामने इंजीनियर साहब की फैमिली रहने आती है और उनकी बेटी रिंकू शहर की हवा ही बदल देती है। अब सारे नौजवान लड़के, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और फोकटिये उस सड़क के चक्कर काटने लगते हैं। बिलासपुर से आई है पंडा, हाफ पैंट पहनती है। तेज चलाना, पता तो चलना चाहिए, पीछा हो रहा है। विकास की बत्ती, बाकी का जमा रख ले, आते रहो। और बिल्लू की दुकान एक हॉटस्पॉट अड्डा बन जाती है। बाकी लड़कों की तरह बिल्लू भी रिंकू के प्यार में पड़ ही जाता है और बिना रिंकू से मिले और बात किए बिल्लू उसके प्यार, नफरत और बेवफाई के उतार चढ़ाव से भी गुजर जाता है। बिल्लू की इस अनबेली लव स्टोरी के अंजाम को जानने के लिए आपको इस रसीले पान को एक बार तो ट्राई जरूर करना चाहिए। जब मैं अपूर्व का एक इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला था। जब ये फिल्म उन्होंने लिखी थी तो इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने क्वेश्चंस रेज किए थे कि यार क्या एक छोटे से शहर का पान वाला किसी मेनस्ट्रीम सिनेमा में हीरो बन सकता है और वो भी छत्तीसगढ़ का। एंड ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो शायद यही दो पॉइंट है फिल्म के जो इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। आई मस्ट से फिल्म रॉ और बहुत ओरिजिनल है। स्टोरी बहुत ही बेसिक पर डिटेलिंग कमाल की है। स्टोरी का फ्लो कुछ जगह पर थोड़ा स्लो होता है पर आपके इंटरेस्ट को मेंटेन करके रखता है। फिल्म की कहानी और किरदारों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। जितेंद्र कुमार अपूर्व की पहली पसंद थे और आई बिलीव उन्होंने इसमें काबिले तारीफ काम किया है। बिना किसी डायलॉग के फिल्म में रितिका बदयानी भी सभी को याद रह जाती है। भुवन और धीरेंद्र तो इस पान का चूना और कत्था है। इनके बिना तो ये पान बनना ही नामुमकिन था। डैडी, डैडी को जानना चाहते हैं डैडी? तो फिल्म देखो और खुद जान जाओ डैडी। फिल्म का प्रोडक्शन और एग्जीक्यूशन अबव एवरेज है जो कि फिल्म की स्टोरी और स्केल को पूरी तरह से सूट करता है। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी अबव एवरेज, मिनिमल और रॉ है पर इसी वजह से शायद काफी ऑथेंटिक भी लगता है। 2 का 4 गाना जो कि बहुत पॉपुलर हुआ है, इसके बोल भी अपूर्व ने ही लिखे हैं और इसकी खास बात यह है कि इसके बोल दोस्तों की आपस बोलचाल और मस्ती से निकले हुए हैं। कम से कम शब्दों में अगर मैं कहूं तो भैया ये दिल का मामला है।
फिल्म दिल से लिखी गई है और दिल से बनाई गई है और आपको इसे दिल से ही देखना चाहिए। ये आपके दिल को गुदगुदा देगी, बेवजह आपके चेहरे पर पुरानी यादों की वजह से मुस्कुराहट आ जाएगी और फिर आप अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और पता नहीं कितने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपने पुराने लड़कपन के प्यार को खोजने में लग जाएंगे। डैडी चमन बहार तो डेफिनेटली आई मस्ट से एंड यू मस्ट वॉच है। चलो भैया अब बहुत हो गई बकर, अब जाइए और सब लोग चमन बहार देखें, हम भी चलते हैं, हमें भी तो किसी को ढूंढना है ना डैडी। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगा आपको फिल्मी डिजाइनर के नए एपिसोड में विद मोर ऑनेस्ट रिव्यूज एंड रिकमेंडेशंस। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आगे के सफर में साथ में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं डैडी। तो सादर प्रणाम, नमस्कार भैया।